हेलो दोस्तों, होम शेफ 283 पूजा के चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी के लिए मैंने कच्चे आम ले लिए हैं। ये आम हमारे घर में ही लगे हुए हैं और ये बिल्कुल कच्चे कच्चे फ्रेश आम हैं। इनको मैंने धो के साइड पे रख दिया है। अब हम इनको स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए मैंने मोमोज का सांचा ले लिया है, उसमें मैंने 3 कच्चे आम डाल लिए हैं। पानी उबलने के लिए रख दिया है। अब हम इसको स्टीम कर लेते हैं आमों को। गैस की जो आंच है वो बिल्कुल हमने फुल रखनी है। कुल मिला के इसको 10 मिनट के करीब लगेंगे गलने के लिए। तो 10 मिनट के बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे आम बिल्कुल गल चुके हैं। इसको हम ठंडा करने के लिए साइड पे रख देंगे। तो अब एक बर्तन में मैंने 1 कप के करीब पानी लिया है और 2 कप के करीब चीनी ली है। पानी और चीनी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे गैस ऑन करके, और इसको हम अच्छी तरह से सिर्फ मिक्स ही करेंगे। इसकी हमने कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। हल्की सी जब चीनी घनी होने लगेगी सिरप की तरह, तो हमने गैस बंद कर देनी है और इसको ठंडा करने के लिए साइड पर रख देना। अब हमारे जो कच्चे आम है वो भी अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। सबसे पहले हम इनको ऊपर से छील लेते हैं। तीनों आमों को अच्छी तरह से छीलने के बाद एक शीशे के बर्तन में मैंने जाली रख दी है, और इसका जितना भी पल्प है वो आराम से निकल जाएगा और जो गुठली है वो आराम से अलग हो जाएगी। और ये बिल्कुल अच्छी तरह से गले हुए हैं, कहीं से भी कच्चे नहीं है। तो ये देखिए गुठली कितनी साफ नजर आ रही है। तो अभी ये पल्प तो बहुत ज्यादा थिक है, तो इसलिए अब मैंने इसमें 1 कप के करीब पानी भी डाल लिया है, ताकि इस पल्प को हम छान लेते हैं। वैसे छानने की जरूरत तो नहीं है, बिना छाने भी हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी अच्छी तरह से स्टीम हो चुके हैं। कच्चे आम का जितना भी गुद्दा है उसको हम पानी के साथ अच्छी तरह से ना मिक्स करके रख लेते हैं साइड पे। वन फोर्थ कप के करीब मैंने फ्रेश पुदीना ले लिया है। इसमें से थोड़ा सा पुदीना मैं मिक्सी में दरदरा पीस लूंगी। इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है आम बनने में, और बाकी हम उसको बाद में यूज करेंगे। ये सभी सूखे मसाले आम पन्ना की रेसिपी में आगे जाके यूज होंगे। आम पन्ना का ये जो ड्रिंक है ये गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जिन लोगों को लू लग जाती है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। तो ये देखिए जो सिरप बन के तैयार हो गया, चीनी का ठंडा हो गया है। चीनी से बना सिरप और आम के गुद्दे को हम अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हमने जो पुदीना मिक्सी में दरदरा पीसा था वो भी इस टाइम हम इसमें डाल लेते हैं। पुदीना डालने के बाद अब मैंने इसमें भुना हुआ जीरा डाल लिया है, चाट मसाला डाल लिया है, काले मिर्च का पाउडर डाल लिया है, काला नमक, लाल मिर्च का पाउडर, सिंपल वाला नमक, ड्राई पुदीना इसमें मिक्स कर लिया है। और जैसे हम इसको मिक्स करेंगे इसमें से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, ऐसे लगेगा कि आम पापड़ बनके तैयार हो गया है। अब ये आम पन्ने का जो मेन सिरप बनके तैयार हो गया है, और अब हम इसमें एंड में थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल लेते हैं एक एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए। इलायची पाउडर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम शीशे के बर्तन में पूरा ट्रांसफर कर लेते हैं, और जब भी हमें आम पन्ना बनाना हो तो हम इस जग से निकाल के आम पन्ना बना लेंगे और बाकी फ्रिज में लगा देंगे। जब भी पीना हो तो सबसे पहले थोड़े से पुदीने की पत्तियां ले लें, थोड़ा सा लाल मिर्च और नमक का मिक्स बना लें, और साथ में आधा नींबू ले लें। नींबू को ग्लासेस के ऊपर की तरफ लगा लें, सारे ग्लासेस को लगा लेते हैं। जितना हमने आम पन्ना का जो बेस बना के रखा है फ्रिज में, उससे हम आराम से 20 ग्लासेस आम पन्ना के बना सकते हैं। ग्लासेस के रिम में जो हमने नींबू लगाए हैं उस साइड को हम उल्टा कर लेंगे मिर्च और नमक के ऊपर। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे ग्लासेस। आम पन्ने का जो बेस है वो 2 से 3 चम्मच हम ग्लासेस में डाल लेते हैं। साथ में फ्रेश पुदीना डालेंगे, साथ में डालेंगे हम आइस और ठंडा ठंडा पानी। अगर आप चाहें तो सोडा भी डाल सकते हैं, सोडा से भी अच्छा फ्लेवर आता है। दोस्तों चटपटा आम पन्ना बनके तैयार हो चुका है। इसको अब हम सर्व कर लेते हैं, थोड़ा सा और एंड में डेकोरेट करेंगे पुदीने की पत्तियों के साथ। और जैसे ही इसको हम पियेंगे ना, तो हमें मिर्ची का, नींबू का और नमक का एक बड़ा अच्छा चटकारा टेस्ट आने वाला है। तो ये ना तो बहुत महंगा ड्रिंक है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, बना सकता है घर में। फ्रेंड्स अगर आपको भी गर्मी बहुत लगती हो तो ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। 3 आमों से हमने आराम से 20 ग्लासेस के करीब आम पन्ना की रेसिपी तैयार कर ली है। जब भी मन करेगा फ्रिज खोलेंगे, आम पन्ना तैयार कर लेंगे।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।